रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है, मेरी दुआ है, जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्होंने एक औलाद अता फरमाए, जो बीमार है अल्लाह पाक ने शिफा कामला अर्जा अता फरमाए, जहाँ भी परेशान है अल्लाह ताला उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, उनके सदके हमारे जो दुख तकलीफ परेशानी है वो भी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसमें एक दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो माशाल्लाह जी व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें वीडियो को जो है। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में छोटे बड़े सब ठीक है। तो ये देखे मौसम की सूरत हाल बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। ये देखें हाँ जी, ये देखें सूरज भी निकल आया है। सूरज निकल आया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इधर काठिया भी हमने ले ली है, ये भी है, और छपरा भी बना लिया है। तो हमने ये छपरा भी बनवा लिया है और ये लकड़ी में उठवा ली। हाँ जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा? कुछ नहीं, आप खाना खा रहे हैं? मैं तो नाश्ता, फिर चले जाएंगे। हम तो घर ही बैठेंगे क्योंकि हमारे स्कूल की छुट्टियां होंगी, है ना? आपकी तो मौजें लग गई हैं। कौन सी मौजें? छुट्टियां जो होगी हैं मेरियां थोड़ी मौजें आकिब की। मैं जा नहीं सकता कहीं, मैं बाहर पर नहीं जाऊंगा। अभी तो आए हो, बाहर पर कौन जा रहा है? दादा जाना, दादी जाना। कब? कह तो रहे थे दो तीन बाद जाएंगे। तो ये जाएगा, ये कोटू। मसाला दिया पीजिए ना, चाय पक गई है। अब जाना दाल में डाल रहे हैं। रोटी नाश्ता भी बन गया, ये जो है ना खाना बन चुका है। दाल में जाना, चाय जाना, दाल में डाल चुकी है। बाबा जान रहे हैं ना, पी रहे हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, बिल्कुल सेट हूँ। चाय देने आई थी आपके अब्बू को, जा रहे हैं, भागे जा रहे थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी, क्यों चाय दे, भागे क्यों जा रहे थे? कुछ होने वाला था क्या? लेट हो रहे थे। अच्छा, वही वहाँ रोहित से तो जल्दी आया। तो यहाँ जो है ना खाना खाते खाते हो रही थी। हाँ जी, मैंने कहा जल्दी जल्दी आप चाय पीजिए, गरम गरम हो जाए, ठंड लगी हो। ठंड लगी होगी ना, तो फिर ठंडे हो जाए, ओ गरम हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज जो है ना गाय देख रही है, आज कह रही है कि ये तो जा रहे हैं तो पीछे कौन घास लेकर आ रहा है? क्या पता हूँ, क्या पता हूँ कौन चाहते हैं अंदर पे, तू चाहते हो उसे? कोई तो आएगा तो लेकर आऊंगी ना। हाँ जी, वो है गंढा रखा है, नहीं गंढा तो रखा है। आज जो है हम अपने पुराने वाले घर पर आए हुए हैं, उज़्मा भाभी और भाई जमील के यहाँ। और क्योंकि फारस की जो है तबीयत कल से ख़राब थी तो अचानक हमें आना पड़ा,
तो बहन भाइयों से वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि फारस को अचानक जो है उल्टी मोशन लग गए थे, तो इसलिए हमें जल्द से आना पड़ा। तो ये देखें अभी जो है इसको मैंने दवाई पिला के ना साकिब महमूद जो है झूला दे रहा है। ये देखें ये सोया हुआ है माशाल्लाह से, अभी जाके इसे नींद आई है तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो इधर साकिब महमूद भी है, क्या हाल है? ठीक है। तबीयत ठीक है? आपका पाँव कैसा है? आप ठीक है? कितना जख्म बचा है अभी? इतना अभी भी बचा हुआ है, अल्लाह ताला खैर करे। सड़ गया है, इतना सा बचा हुआ है। सड़ गया है? चढ़ गया है। अच्छा जी, जख्म जो है भर चुका है। वो दवाई दिखाएं फारस महमूद की। तो ये देखें जी, ये हो गई फारस महमूद की दवाई, एक ये हो गई और एक ये हो गई दो, और ये एक ये हो गई तीन। तीन ड्रॉप है इसको ना, मोशन और मोशन और उल्टी लगी हुई थी, तो बहुत परेशान हो गए थे भाई साहब। तो फिर मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए थे क्योंकि वहाँ पे जो है रात को पानी की बारी थी, पानी लगाना था इस गंदम को, इसलिए वो वापस चले गए हैं। शायद अब आएंगे मुझे लेने के लिए। आके महमूद का, फारस महमूद का चेकअप भी कराना है अभी, तो फिर जाएंगे। भाई साहब आएंगे, वो भी सब बहन भाइयों के साथ बातचीत करेंगे। तो माशाल्लाह जी, ये देखें हम घर पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। फारस से इधर हो जा, अभी उठ जाएगा फिर। इधर देखें बिस्तर वगैरह जो है वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। और इधर किचन में भी सब सफाई करनी है क्योंकि भाभी जान और अम्मी जान जो है चली गई हैं वो कमान का घास लेने के लिए, गाय के लिए। ये क्या, ये खुड्डा टूट गया है मुर्गियों का? नहीं नहीं, चूल्हा बनाया था देख कर। अच्छा, तो ये ईटे वगैरह उठा ली थी देख के चूल्हे के लिए। ये छप्पर वगैरह न्यू बनाया है? हा? न्यू बनाया है ये छपरा। माशाल्लाह जी, गाय को घास डाल दिया है। एक तो ये मुर्गियां तंग बहुत करती हैं। वो देखिए ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है। नीचे लग गया कुकड़। आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं। नहलाऊं आपको जल्दी से? हाँ जी। ये देखें गाय घास खा रही हैं। और ये देखें इन लोगों के काम चेक करें, ये छपरा बनाया है गाय बांधने के लिए। बस ऐसे ही इस फाड़े की लकड़ियां डाल दी, इसके ऊपर क्या डालना है, खोरी। चलें जी। ये देखें ये कमान का घास जो है कुछ इकट्ठा किया हुआ है। जब हम आए थे ना पर और ये तो माशाल्लाह जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। इजाज़त लेने से पहले हमेशा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।